मथुरा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके जनपद का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर बोल रहा हूं। जैसे कि आप अवगत हैं कि आज रात्रि 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन जो है वो प्रभावी हो गया है। इसी के चलते जनपद मथुरा के सभी बॉर्डर्स, चाहे वो अंतर्राज्यीय हैं, अंतर जनपदीय हैं, सभी को तत्काल प्रभाव से हमारे द्वारा सील कर दिया गया है। कुछ ही वाहनों को छोड़ करके बाकी सभी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो ऐसी यात्राएं जो कि अति आवश्यक ना हो या आपातकालीन स्थिति में ना हो, उसके अतिरिक्त सभी यात्राओं को आप स्थगित कर दें। इसके साथ साथ रोजमर्रा की चीजों के लिए, आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक समय तय किया गया है, उस समय का आप सभी लोग अक्षरशा से पालन करें और उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपने घर से किसी भी काम के लिए बाहर ना निकले। इसके अतिरिक्त जनपद में धारा 144 व एपिडेमिक एक्ट के कई प्रावधानों को भी लागू किया गया है, जिसके तहत 5 व उससे ज्यादा व्यक्ति कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल प्रभाव से विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसी के साथ साथ जब आप घरों में रहेंगे, कोई अगर आपको समस्या आती है, कोई परेशानी आती है या कोई घटना घटित होती है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आपातकालीन सेवा है डायल 112, वो लगातार चल रही है। आप उस पर कॉल करके अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं। पुलिस और प्रशासन तत्काल प्रभाव से आपके वहां पर पहुंचकर उस समस्या का हल करेगा। मेरा विशेष रूप से अनुरोध है हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, ग्राम प्रधानों से, वार्ड मेंबर से, पार्षद से, चेयरमैन से, राजनीतिक पार्टियों के सभी पदाधिकारियों से, व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों से और विशेष रूप से जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, कि आप सभी लोग इस समय पर एक लीडरशिप के रोल में हैं। आप सभी लोग, आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं, उनको फोन के माध्यम से इस बारे में सही जानकारियां उनको बताएं और ये भी उनको प्रोत्साहित करें कि वो जहां पर हैं, जिस घर में हैं, जिस भवन में इस समय पर हैं, वो वहीं पर रहें, उनको वहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कोरोना के खिलाफ जो ये जंग पूरा देश लड़ रहा है, उसमें सभी लोग अपना जिम्मेदारी समझें। इसमें सभी लोगों द्वारा पूर्व के दिनों में जनपद मथुरा के प्रशासन का बहुत सहयोग किया गया है, परंतु अब भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, लापरवाह बन रहे हैं और पूरे समाज के लिए खतरा बन रहे हैं। ऐसी घड़ी में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ना केवल हम अपने घर परिवार के लोगों को, बल्कि अपने आस पड़ोस में सभी उन लोगों को समाज की ऐसा प्रेशर बनाए कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त 24 घंटे के लिए पुलिस की जो ड्यूटीज हैं वो बॉर्डर्स पर और जनपद और शहर के विभिन्न स्थानों पर 24 घंटे दो दो पालियों में लगी रहेगी। वो सभी लोग अपनी जीवन का परवाह ना करते हुए आपके लिए, आपकी सुविधा और आपके स्वास्थ्य के लिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कृपया आप उनके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना करें, उनके साथ किसी प्रकार की लड़ाई ना करें। कोई समस्या है तो उनको बताएं, वो आपकी तत्काल मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको